जबलपुर की बात करते हैं इस वक्त बड़ी खबर, निगम सदन में कांग्रेस पार्षदों का धरना, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी हुए शामिल, शहर विकास मुद्दे पर चर्चा की मांग, कल बजट के बाद हुआ था हंगामा, हंगामे की वजह से सदन हुआ था स्थगित, अनिश्चितकालीन के लिए हुआ स्थगित, सदन स्थगित होने से विपक्ष ने दिया धरना, विपक्षी मांग फिर हो शहर विकास मुद्दे पर चर्चा, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है जबलपुर से, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सदन स्थगित होने पर विपक्ष ने दिया धरना, फिर हो शहर विकास पर चर्चा, ये कहना है विपक्ष का, निगम सदन में कांग्रेस पार्षदों का धरना, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर। संजय साहू इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, यहाँ पर सदन स्थगित होने से विपक्ष ने धरना दिया है और फिर से वो विकास मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन में यहाँ पर उनके साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए हैं, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? बिल्कुल, जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कांग्रेस जिस प्रकार से बता रही है, विपक्ष कह रहा है कि कल का जो दिन था वो काला दिन उन्होंने बताया नगर निगम सदन को, क्योंकि बजट पर चर्चा हो रही थी, लगभग 1500 करोड़ का बजट जो है वो जबलपुर में पारित हुआ है और उसके बाद फिर एक हंगामा होता है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आते हैं, इसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए सदन जो है वो स्थगित कर दिया जाता है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्षद जो है वो धरने पर बैठ गए, आसंदी के सामने सभा कक्ष में धरने पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने सबकी बातें भी सुनी और उन्होंने कहा कि ये सचमुच बड़ा काला दिन है, क्योंकि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, जब तक सदन में चर्चाएं पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष सत्ता के मध्य चूर है और यही कारण है कि ये सारी चीजें हुई। अगर हम कांग्रेस पार्षदों की बात करें तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक सदन पुनः निर्धारण नहीं होता है, सामान्य सभा का निर्धारण नहीं होता और शहर विकास मुद्दे पर चर्चा नहीं होती तो इस आंदोलन को हम सदन से लेकर सड़क तक ले जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इस पूरी जानकारी के लिए।